तो गाइज एजे स्टाइल्स ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब WWE के साथ उनका करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तब वो WWE के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए रेसलिंग की दुनिया को अलविदा कह देंगे। और इसके अलावा एजे स्टाइल्स ने उन रूमर्स का भी पर्दाफाश किया है जिनके मुताबिक एजे स्टाइल्स AEW में जाने वाले थे। एजे स्टाइल्स ने बताया कि वो WWE को अलविदा कहने के बाद AEW में नहीं जाएंगे, बल्कि वो रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लेंगे। अब एजे स्टाइल्स ने अपनी रिटायरमेंट की बात को कंफर्म कर दिया है, तो एजे स्टाइल्स को WWE से रिटायरमेंट लेने से पहले कुछ ऐसे बड़े मैचेज हैं जिनका हिस्सा बनना चाहिए। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे मैचेज की बात करेंगे जो कि एजे स्टाइल्स अपनी रिटायरमेंट से पहले WWE में लड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहला मैच एजे स्टाइल वर्सेज ड्रू मैकइंटायर। अगर WWE में फिलहाल कोई सुपरस्टार सबसे टॉप पर है तो वो है ड्रू मैकइंटायर। जब से ड्रू मैकइंटायर ने रसलमैनिया 36 में ब्रोक लेसनर को हराकर WWE चैंपियनशिप को अपने नाम किया है, तब से ड्रू मैकइंटायर ने काफी नाम कमाया है और WWE भी उन्हें अच्छी स्टोरीलाइंस दे रही है। और अगर WWE ड्रू मैकइंटायर वर्सेज एजे स्टाइल्स का मैच करवा दे तो फैंस भी इस मैच को काफी पसंद करेंगे और यहां पर एक अच्छी स्टोरीलाइन WWE करवा सकती है। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मैच है एजे स्टाइल वर्सेज कैथली का। अगर ये मैच होता है तो कैथली को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि कैथली अभी अभी NXT से मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट हुए हैं और अगर उन्हें एजे स्टाइल्स के साथ स्टोरीलाइन में डाला जाए तो कैथली एक अच्छे हैं और ये मैच कैथली के करियर को भी काफ़ी फायदा करवा सकता है, क्योंकि एजे स्टाइल जैसे परफॉर्मर के साथ हर कोई लड़ना चाहता है और ये मैच एजे स्टाइल को रिटायर होने से पहले जरूर लड़ना चाहिए। और इसके बाद तीसरा बड़ा मैच है एजे स्टाइल वर्सेज द अंडरटेकर। अब अंडरटेकर के बारे में अपडेट्स है कि उन्होंने WWE से रिटायरमेंट ले ली है और वो अब WWE में रेसलिंग नहीं करना चाहते, लेकिन क्या WWE द अंडरटेकर को उनके रिटायरमेंट मैच के बिना ही अलविदा कहने देगी? क्योंकि अंडरटेकर वो शख्सियत है जिसने WWE को इतना फेमस किया है और पिछले 30 सालों से WWE फैंस को एंटरटेन किया है। हालांकि एजे स्टाइल वर्सेज द अंडरटेकर का मैच हो चुका है रेसलमैनिया 36 में, लेकिन वो मैच बोनयार्ड मैच था। फैंस आज भी इन दोनों सुपरस्टार्स को WWE रिंग में लड़ता हुआ देखना चाहते हैं एक और बार। अगर WWE द अंडरटेकर और एजे स्टाइल्स का मैच रेसलमैनिया 37 में करवा दे तो इन दोनों लेजेंड्स की रिटायरमेंट में 4 चांद लग जाएंगे। और इसके बाद अगला बड़ा मैच है एजे स्टाइल वर्सेज एड्ज। इस मैच के रूमर्स तभी आना शुरू हो गए थे जब एड्ज ने अपना रिटर्न रॉयल रोम्बल 2020 में किया था और एड्ज ने भी एजे स्टाइल से लड़ने की बात कही है, लेकिन फिलहाल वो WWE से बाहर है। और अगर WWE एजे स्टाइल को रिटायरमेंट मैच देना चाहे तो एड्स से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखना होगा कि क्या ये मैच कभी होता है या नहीं। और इन सब के बाद नंबर 5 और लास्ट पर है एजे स्टाइल्स का ड्रीम मैच। एजे स्टाइल्स ने अपने ड्रीम अपोनेंट के बारे में बताया था और वो है द गेम ट्रिपल एच। एजे स्टाइल ने बताया कि वो रिटायरमेंट से पहले ट्रिपल एच से एक बड़ा मैच लड़ना चाहते हैं और ट्रिपल एच भी इस मैच के लिए मना नहीं करेंगे। अगर ये मैच होता है तो काफी कमाल का साबित हो सकता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। इसी के साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से एजे स्टाइल को WWE से रिटायरमेंट लेने से पहले किन किन बड़े सुपरस्टार्स के साथ मैच लड़ना चाहिए। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।